गार्डन इस साइड एंड इधर कैंटीन है। तो अगर आप टी गार्डन घूमते घूमते थक जा रहे हैं और फैक्ट्री आपने घूमा है तो यहाँ आकर आप इंजॉय कर सकते हैं फूड, और बहुत ही यमी फूड दिख रहा है यहाँ, तो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैं बैठी हूँ कैंटीन में और यहाँ बहुत कुछ है, नॉनवेज ज़्यादा है तो इस समय चल रहा है नवरात्रि, तो मैं खा नहीं सकती हूँ। और यहाँ मैंने लिया है मिक्स वेज पकौड़ा विथ चाय था, पर चाय मैं पीती नहीं, कॉफ़ी यहाँ मिलती नहीं क्योंकि ये टी फैक्ट्री है एंड टी गार्डन है, तो कॉफ़ी कैसे यहाँ रहेगी। तो वो उन्होंने कहा है, जो मैम है उन्होंने कहा है कि मैं पकौड़े की जो क्वांटिटी है वो मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूँगी एंड बीच में चटनी रख दूँगी चाय की जगह आपके लिए। तो मैंने कहा ओके श्योर। और तो यहाँ आ रहा है मिक्स वेज पकौड़ा और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं पीछे यानी मेरे सामने है टी गार्डन और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये देखिए। तो इस नज़ारे के साथ मैं आज पकौड़ा इंजॉय करने वाली हूँ और इधर मेरे पीछे भी लोग इंजॉय कर रहे हैं थाली, हिमाचली थाली। बात ये पड़ जाती है ना कि इतनी बड़ी थाली रहती है वो अकेले ख़त्म नहीं किया जा सकता और वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं हिमाचली थाली ट्राई नहीं कर पा रही हूँ। कहीं मुझे अगर छोटी मोटी थाली दिखी तो मैं ले लूँगी, पर यहाँ वो मुझे ना थोड़ा सा प्रोपोर्शन नहीं देंगे खाने का, तो इस वजह से मैं थाली ऑर्डर नहीं की। मन तो कर रहा है, और हाँ यहाँ बात ये है कि मुझे थाली में नॉनवेज दिख रहा है तो इस वजह से भी मैंने ऑर्डर नहीं किया, तो मैंने पकौड़ा मंगवा लिया है। आप लोग ने टी की जो हिस्ट्री है उसे इंजॉय किया होगा, इसलिए मैंने उसका वीडियो अलग से डाल दिया, क्योंकि हिस्ट्री है छोटी मोटी तो हो नहीं सकती, लंबी हो सकती है, तो हिस्ट्री को इसलिए मैंने अलग से डाला, क्योंकि जो लोग ब्लॉग नहीं देखते हैं जिन्हें केवल टी की हिस्ट्री जानना है, तो वो लोग भी अगर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे तो उनको हिस्ट्री पता चल जाए और उन्हें इस तरह की, मतलब कह सकते हैं उनके लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं, मतलब जैसे मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो मेरे लिए तो सब चीज़ खास है, पर उनके लिए उनको सिर्फ हिस्ट्री जानना है, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को अलग से डाल दिया टी के बारे में। और उसके बाद ये ब्लॉग कंटिन्यू हो चुका है और बस पकौड़े आने वाला है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस मौसम बहुत ही बढ़िया है, क्या कहूँ, मतलब हिमाचल में हर जगह, मतलब रोड पे भी आप कहीं भी खड़े हो जाओ ना तो मतलब फोटोजेनिक जो चीज़ें होती है ना, मतलब नेचर है, मतलब पूरा आप कहीं भी खड़े हो जाओ फ़ोटो खिंचवा सकते हो और आपकी फ़ोटो अच्छी ही आएगी। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ अगर मैं कहीं भी खड़ी हो जाऊँ तो फ़ोटो मेरी अच्छी आने वाली हूँ, मैं जैसी रहूँ तो बस यही है। और ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर सोलो ट्रिप कर रहे हो तो या तो हेल्प लो आप किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए, नहीं तो आपको सेल्फी खींचना पड़ेगा या कहीं टेक लगा के दीवार के सहारे, मेज के सहारे और टाइमर सेट करके ही फ़ोटो खींचना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सोलो ट्रेवल करने में, पर वैसे बहुत मज़ा आता है। अगर आप सोलो ट्रिप के बारे में या कैसा एक्सपीरियंस रहता है या क्या क्या सोलो ट्रिप में ध्यान रखना चाहिए जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में अलग से वीडियो दूंगी उसका। सामने है टी गार्डन और गर्मा गर्म वेज पकौड़ा विथ पुदीना चटनी। हर हर महादेव। मैं हूँ इस समय बैजनाथ मंदिर में और ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही अद्भुत है। सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं नंदी महाराज के, क्योंकि उनके दर्शन के बिना भोलेनाथ के दर्शन हम लोग कर ही नहीं सकते। तो अंदर है भोलेनाथ, मंदिर के अंदर शूट नहीं कर सकते थे तो मैंने जूम करके आपको दर्शन करा दिए हैं और आप बढ़िया से दर्शन कर लीजिए। और चलिए इस मंदिर के बारे में यहीं के लोगों से जानते हैं और आपको बताते हैं। ये जो आपने शिवलिंग देखा अंदर जी, ये जो है ये स्वयंभू है, स्वयंभू। अच्छा, हाँ खुद प्रकट हुआ है, ये शिव और पार्वती दोनों है। अच्छा, और ये हाँ जो रावण ने कई हजार वर्षों तक किसी विजयी होने के लिए तपस्या करी है, हाँ। नौ बार सर काटे, नौ बार सर जुड़ गए, जब दसवीं बार काटने लगा तो भगवान खुद प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि बताओ आप क्या चाहते हैं, उसने बोला कि मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने अपना दूसरा विग्रह दिया, दूसरा रूप दिया कि इसको जो है रास्ते में कहीं रखना नहीं है,
जहाँ रखेगा वहीं स्थापित हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से लेके जब वो चल दिए तो झारखंड जब पहुँचे, पहले तो बिहार और झारखंड एक ही था लेकिन बाद में झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड जब पहुँचे तो उनको भगवान की माया थी, उनको लघु शंका लग गई, वरुण देव जो है उनके अंदर प्रवेश कर गए, उनको लघु शंका लग गई जी। तो उनको तो वरदान था कि ले जाना नहीं है। हाँ। तो उन्होंने मतलब नीचे उनको विष्णु भगवान जो वो एक ग्वाले के रूप में दिखाई दिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके पास पकड़ा देता हूँ, लघु शंका करके आता हूँ। तो उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि भाई थोड़ी देर आप पकड़ना और मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाऊँगा, हाँ। क्योंकि बुढ़ा हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाऊँगा, हाँ। तो आप जल्दी आ जाना। उसने बोला ठीक है, लेकिन बड़ी देर के मतलब लघु शंका उसकी बंद नहीं हो रही थी जी, क्योंकि वरुण देव प्रवेश कर गए तो कहाँ जल्दी लघु शंका बंद होती। हाँ। तो उन्होंने जो है मतलब बड़ी देर के बाद जब वो आए तो वहाँ से विष्णु भगवान तो गायब हो गए थे, चले गए थे, और उसको जो है वहाँ झाड़ियों में ही रख दिया था। अच्छा, तो झाड़ियों में रखने की वजह से ही उसका नाम झारखंड पड़ गया उस जगह का। वो भी बैजनाथ ही है उसकी जगह का नाम, उसका भी नाम बैजनाथ ही है, वो बिहार में है। अच्छा, तो उनको बोला था कि यहाँ से तो मतलब रख दोगे तो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रावण ने आके उसको उठाने की काफ़ी कोशिश करी, मतलब उठाया नहीं। तो उन्होंने मतलब वहाँ जो है उसको अंगूठे से दबाया तो उसमें अंगूठे का निशान है, उस शिवलिंग में अंगूठे का निशान है। अच्छा, झारखंड वाले बैजनाथ मंदिर में। और यहाँ कैसे मतलब बैजनाथ मंदिर, मतलब ये जो है ना, ये तो स्वयं हुआ है और मंदिर बनाया है पांडवों ने। अच्छा, और ये जो है इसका बैजनाथ नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर तो होते नहीं थे। हाँ। तो जब 9 बार सर काटे, 9 बार सर जुड़ गए तो रावण ने कहा कि आप तो एक मेरे को वैद्य रूप में मतलब प्रकट हुए। अच्छा, इसका नाम बैद्यनाथ, अब बिगाड़ के इसका नाम बैजनाथ बना दिया है, असल में इसका नाम बैद्यनाथ ही है, उसका नाम भी बैद्यनाथ ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। हर हर महादेव, मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये पीछे का हिस्सा है बैजनाथ मंदिर का, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। अंदर वैसे फ़ोटोग्राफी मना थी पर मैंने बाहर से ही थोड़ा जूम करके ले लिया है। उम्मीद है कि आप लोग ने भी दर्शन कर लिए होंगे और बहुत जल्द भगवान आपको भी अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। और अंदर जाके जो शांति मिली है ना, मतलब यकीन मानिए मेरा आने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर वही है ना कि समय की सीमा है, घर वापस जाना है, और इस वजह से बस भगवान को अपना धन्यवाद कहते हुए मैं बाहर मंदिर के निकली। और बहुत ही बढ़िया भोलेनाथ के दर्शन हुए मेरे। और ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही ये मतलब कह सकते हैं ना मन भावन खूबसूरत है। और इसकी आप नक्काशी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मंदिर की है। तो बस दर्शन बढ़िया से हुए, अब चलते हैं बाहर क्योंकि जो अंकल हैं ड्राइवर अंकल वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। तो बस हर हर महादेव का नाम लेते हुए अब निकलते हैं क्योंकि आज मैं स्टे वहीं की हूँ गो स्टॉप में बीर में। बारिश सुबह इतनी ज़्यादा हुई कि भोलेनाथ ने कहा कि तुम आज बीर में ही रुको, और फिर मैंने टैक्सी करके मैं सब घूमने आई यहाँ। तो फाइनली भोलेनाथ का दर्शन हो चुका है और बहुत ही अच्छा और सुकून भरा दर्शन हुआ, कोई शब्द नहीं है इसके आगे कहने के लिए। तो बस अब चलते हैं वापस गो स्टॉप और वहीं ये सफ़र को ख़त्म करते हैं।